और ले रहे हैं हम टेस्ट ड्राइव। चलो स्टार्ट करते हैं। ओहो क्या भैया, थोड़ा पकड़ लेना भाई। ये बवाल पकड़ लो बस। ये चूचा लग रहा हूँ मैं, काट के दोबारा। सस्ता इग्नोर। फाइनली अप्रेला बुक हो चुकी है और एक सरप्राइज भी है, क्या पता दो आज। और ये अप्रिलिया की चाबी, ये वाइट कलर में खड़ा है। और ले रहे हैं हम टेस्ट ड्राइव। चलो स्टार्ट करते हैं। ओहो क्या भाई बेहतरीन। ओहो क्या बात है। जबरदस्त पावर भाई साहब, क्या क्या पुल है भाई बाइक का, बहुत जहर एकदम क्लासी। मतलब मैं डोमिनार राइडर हूँ, ये तो भाई इसको भी खा रही है, कहीं से कहीं तक भी नहीं, एकदम टॉप नॉच। और कुशनिंग वगैरह तो बाइक की ठीक है, हॉर्न जटुल्ला भाई बिल्कुल। और अभी हम रोड पे आके थोड़ा खींचा मारेंगे। और बाइक की साउंड यार, मैंने ना एक्चुअली यूट्यूब पे देखी थी और सुनी थी, और रियलिटी में भाई बहुत अलग, बहुत ज़्यादा अलग है भैया। और गियर की मतलब गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ, क्लच बहुत लाइट, मतलब उड़ रही है। और ट्विन सिलेंडर है ऑफ कोर्स, तो वाइब्रेशन तो है ही नहीं। भैया थोड़ा पकड़ लेना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। खींचेंगे भाई बवाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। कैसा इसका, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तो मैं उड़ाऊंगा, मैं उड़ाने के लिए जा रहा हूँ, मैं उड़ाने के लिए जा रहा हूँ। ओके सो भाई चलते हैं, इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं ना, आपको एक्सपीरियंस बताते हैं। इससे पहले जो वीडियो में क्लिप्स दे रखी थी वो शिवम भाई ने शूट करी थी। पकड़ लो बस। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। विंडशील्ड चला रखे किसी ने। शाबाश। इसमें चल रहे हैं ना। हाँ भाई चूचा लग रहा हूँ मैं, दोनों ही लग रहा हूँ। फाइनली एवरीवन अप्रेला बुक करवाए हैं सीवी भाई के साथ। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपको? मैं कह रहा हूँ आवाज कहाँ रिकॉर्ड हो रही होगी। हो रही है ना, फोन का माइक है ना। फोन का माइक तो है, तो ये टप्पा जो रोड का, अरे वो हट जाएगा। फाइनली अप्रैल की बुकिंग करवा लिया सीवी भाई के साथ।
इग्नोर कर रहे हैं जो हमें अभी सस्ता इग्नोर भाई बाइक मैंने राइड करी भाई जबरदस्त, मतलब बवाल चूजा भाई बवाल आग कान फट गई थी मेरी भाई। एक बार भाई मैं सो पे आया ना जब उसकी टेस्ट ड्राइव ले रहा था, ऐसे सो पे मैंने हिट करी, मैं कहा चल एक बार खींच लेते हैं सो पे, तो भाई ब्रेकिंग ऐसे दौरी बस भाई उसमें सबसे चूकिया चीज़ है यूरोग्रिप का टायर बस, जो कंपनी वाले नहीं बोला, बाकी तो सेक्सी है भाई को पूरी भाई। तभी भाई को लेके गया, भाई को मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, फिर मैंने भी आज चलाई। एक्चुअली 100 पहुंचने वाले थे, उससे पहले एक बार टायर हल्का सा स्किट हो गया, अब पता नहीं 100 थी कितने की स्पीड में थी। और दूसरी बात ये थी, मैंने शायद आई थिंक फोर्थ गियर में मैंने उसे, मतलब न्यू फोर्थ गियर में उसकी रेस छोड़ दी थी, जो भाई ट्विन सिलेंडर की स्मूथनेस थी ना भाई भगवान, मतलब डोमिनार में भी नहीं भाई, डोमिनार में डक 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 आवाज़ ही आती है वो कर रही थी भाई, इसमें तो भाई ऐसा मक्खन तो समझ सकते भाई क्या बवाल चीज़ है भाई को। भाई मेरे से पहले के भाई ने ड्यूक 390 चला रखे, NS200, RSE 200, डोमिनार 400, हार्ले डेविडसन, निंजा 650, भाई ने सारी बाइकें चला रखी और भाई को ये बाइक बवाल लगी। तो भाई एंड गल बस भाई, फाइनली अप्रैला बुक हो चुकी है, नवंबर के टाइम की डिलीवरी है। तो देखते हैं अभी, एक बस एक चीज़ का पंगा रह गया कि भाई सर्विस कॉस्ट क्या रहेगी इस बाइक की। भाई मैंने भाई को तो कुछ मतलब बाइक से ही है, अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब मैंने उनसे काफी डिटेल ली थी कि ये वो फलाना निमकाना है, मतलब बाइक अगर पानी में रजिस्टर कराएं तो आपका क्या वो रहेगा, EMIs वगैरह कहाँ से कौन से बैंक से होएगी, कितने परसेंट पे होएगी, और सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या होगी। तो सर्विस कॉस्ट उन्होंने आई थिंक 7 से 8 हज़ार रुपये बताई थी ना, तो 7 से 8 हज़ार रुपये मतलब वो एक अमाउंट है ना जो मतलब उस बाइक के लिए काफ़ी ज़्यादा है, जो बिल्कुल सीरियस बताऊँ तो सीरियस नोट में बहुत ज़्यादा है। आई थिंक 4 to 5 के अराउंड होनी चाहिए उसकी, मतलब पहली 3 के आसपास, उसके बाद मैक्स टू मैक्स 5,500 या 6,000 भाई, उस रेंज में अगर इसकी सर्विस आ गई ना तो आ गए भाई, और हर 6,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस है। ये सब भाई ने बोलता स्पीड में, बहुत स्पीड में बोलता, बहुत धीरे बोलता भाई तुम ठीक है। तो भाई ने सारी स्पेसिफिकेशन कर दी, वैसे मैंने नवंबर की डिलीवरी इसलिए रखवाई है ताकि है ना इसका अगर रेट रूट का इशू होता है तो वो मेरे को सारा कुछ, और हीटिंग इशू तो नहीं है भाई उसके अंदर ज़्यादा तो नहीं है, है ही नहीं भाई। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, इतनी गर्मी में डोमिनार हीट मार रही है दबा के, और फेयरिंग बाइक होने के बाद हमने 3 बंदों ने बैक टू बैक उसकी वो करी थी, पहले मैंने ली थी एक और सेकंड मतलब उसकी कोई और बंदा था, हाँ टेस्ट ड्राइव सेकंड बंदे ने करी थी, वो मतलब ऐसे मेरे को नहीं पता कैसे चले उसने, हाँ पहली जरूर रही उसने, और तीसरी ली थी नीतीश भाई ने, और फिर जब ब्रेक लगी थी तो हाँ मैंने चेक करी थी, हीटिंग इशू तो नहीं था उसमें भाई, हीट तो बहुत कम। नवंबर की डिलीवरी डिलेड इसलिए मैंने करवाई है ताकि इसकी एक तो सर्विस कॉस्ट तब तक हमें पता चल जाएगी भाई कितने पे इसकी सर्विस होनी है और क्या सर्विस कॉस्ट रहेगी, एंड रेट रूट का भी पता रहेगा, रेट अगर डिस्काउंट होता है या फिर अप होता है तो उसकी भी डिटेल मेरे को सारी कुछ पता चल जाएगी ताकि, और एक सरप्राइज भी है क्या पता दो आज, मेरे को खुद नहीं पता क्या सरप्राइज है, भाई बता रहे हैं, भाई से पूछेंगे पहले वाले कुलचे पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए, फोकस जिम वाले बंदे थैंक्स लव यू फॉरएवर।